Next one, display factorial of all numbers up to n. Is first of all, suppose that we are having giving a value of n. n के केस में सबसे पहले आपको लूप मैनेज करना होगा. लूप के रिस्पेक्ट में 1 टू n सिंपली लूप मैनेज करें 1 2 3 4 5 अप टू सम गिवन वैल्यू ऑफ n. n मे बी 10 20 लाइक दैट. इसके साथ 1 से लेकर n तक के नंबर बिटवीन में जितने भी नंबर्स अवेलेबल हैं सभी नंबर्स का फैक्टोरियल डिस्प्ले कराना. फैक्टोरियल्स के केसेस में सिंपली इस प्रोग्राम को नेस्टेड लूप्स के थ्रू भी इंप्लीमेंट करना पॉसिबल और सिंगल लूप्स के थ्रू भी मैनेज करना पॉसिबल. बिकॉज इसका रीजन है जस्ट सबसे पहले मींस अगर आपके पास रेंज गिवन है लाइक वी आर हैविंग सम नंबर अप टू n वैल्यू गिवन इज 7. इस केस में n क्या है, n इज 7. सबसे पहले डिस्प्ले क्या कराएंगे, फैक्टोरियल ऑफ 1. 1 के केस में 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, सिंपली 1. देयरफॉर आउटपुट इज 1 इटसेल्फ. नेक्स्ट टाइम 2, 2 का फैक्टोरियल क्या रहेगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 इज सिंपली 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लाइक दैट. इस केस में क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, 2 इटसेल्फ. सॉरी, नेक्स्ट व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 3. 3 के केस में फैक्टोरियल क्या रहेगा, जनरली देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इस रिजल्ट इज 6. रियलिटी इज 6. लेकिन सिंगल लूप के थ्रू मैनेज करें इसी एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशन इस टाइप से अगर आप राइट करोगे लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स देयरफॉर बट हियर वी आर यूजिंग फर्स्ट केस नॉट अ सेकंड वन. नेक्स्ट में सेकंड केस में फैक्टोरियल डिस्प्ले कराना, फैक्टोरियल ऑफ 4. 4 के रिगार्डिंग जनरली रिक्वायर्ड क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 एंड 1. मीनिंग्स कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम. फैक्टोरियल इज 20. नेक्स्ट वन फैक्टोरियल ऑफ 5. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1 टू 5. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5. फैक्टोरियल इज 120. अप टू n मींस इस टाइप से रिमेनिंग ऑल नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पॉसिबल. वन मोर टाइम्स, फैक्टोरियल ऑफ 6. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 5 एंड 6. इसके इसमें रिजल्ट क्या आएगा, 720. फैक्टोरियल इज 720 लाइक दैट. इस टाइप से किसी भी नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पॉसिबल बाय यूजिंग सिंपल मैनर्स. इस केस में अगर ऑब्जर्व करें फर्स्ट वन में फैक्टोरियल क्या है, 1. सिंपली वी आर राइटिंग 1. सेकंड केस में बात करें मींस सेकेंड केस में क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 2. थर्ड केस में रेट क्या है मीन्स थर्ड केस में 3 के केसेस में 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे कराना, प्रीवियस फैक्टोरियल कौन था, 2. 2 का फैक्टोरियल क्या था, ऑलरेडी 2. 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स इस केस में प्रीवियस फैक्टोरियल एवरी टाइम मल्टीप्लाई किससे कराना, न्यू नंबर से. प्रीवियस क्या था, 2. 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6. देन अगेन अब इस रिजल्ट को 6 को कंसीडर करेंगे फैक्टोरियल टू द प्रीवियस नंबर. प्रीवियस केस में 1 2 3 का फैक्टोरियल ऑलरेडी कैलकुलेटेड आपका 6. 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या रहा है, इस केस में कैलकुलेट क्या करें लाइक प्रीवियस फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मींस 24. वी आर राइटिंग सम मिस्टेक हियर, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24. नेक्स्ट वन अगेन नेक्स्ट टाइम फैक्टोरियल किसका कैलकुलेट करना, 5 का. तो 5 का सिंपली मल्टीप्लीकेशन किससे कराएंगे, प्रीवियस फैक्टोरियल. 1 टू 4 ऑलरेडी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर चुके इसलिए फिर से आपको 1 से स्टार्ट करने की नीड नहीं. प्रीवियस फैक्टोरियल में डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन किससे कराएंगे, 5 से. इस टाइप से एवरी टाइम मल्टीप्लीकेशन कराएंगे मीन्स प्रीवियस फैक्टोरियल में एवरी टाइम आई का वैल्यू न्यूली जनरेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करा के सिंपली फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पॉसिबल है. सिंपली इस केस में परफॉर्म क्या कराना है, वी आर राइटिंग सम लॉजिक्स. इसके साथ रिक्वायर्ड इनपुट क्या रहेगा, सम वेरिएबल एज रिजल्ट. लूप्स को इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, आई देन वैल्यू ऑफ एन मीन्स अप टू एन एंड रिजल्ट. इनिशियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 1. इनिशियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 1. नेक्स्ट वन इन दैट केस लूप कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना मीन्स फैक्टोरियल डिस्प्ले कहाँ से कहाँ तक कराना है, 1 2 n
एन इज अ वेरिएबल, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में टोटल थ्री वेरिएबल्स कैलकुलेट होने के चांस क्रिएट होने के चांसेस होंगे, आई वेरिएबल एन वेरिएबल रिजल्ट, आई एन और रिजल्ट। नेक्स्ट होना आई का इनिशियल वैल्यू क्या है इसके, इसमें वन, बाद में इनिशियलाइज करेंगे। एन वैल्यू सपोज दैट इसके इसमें एन का वैल्यू एंटर किया है जा सिक्स और सेवन और एनी नंबर्स लाइक दैट, और सिंपली वी आर टेकिंग अप टू फाइव जस्ट रिड्यूसिंग इटरेशंस। नेक्स्ट वन इनिशियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट बाद में इनिशियलाइज करें, देन नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स पुट्स एंटर नंबर, एंटर नंबर नंबर्स के केस में वैल्यू रीड डाउन करें स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट नंबर, नंबर का जो भी वैल्यू आएगा एन के फॉर्म में असाइन करा लें। एन का मीन सपोज दैट इसके इसमें फर्स्ट टाइम एंटर किया जाए फाइव, दैन सिंपली एक लूप मैनेज करेंगे, लूप के अकॉर्डिंग आई का इनिशियलाइजेशन किससे कराना वन से, प्लस सिमिलरली रिजल्ट को भी किससे इनिशियलाइज करना, रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वन। कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन इज आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, एवरी टाइम सिंपली परफॉर्म क्या कराएंगे रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय आई एंड सिंपली डिस्प्ले वैल्यू ऑफ रिजल्ट प्रिंट एफ, इस केस में रिजल्ट एवरी टाइम डिस्प्ले कराएंगे परसेंट डी वैल्यू ऑफ रिजल्ट, देन क्लोजिंग दिस लूप। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद फर्स्ट टाइम आई और रिजल्ट का इनिशियलाइजेशन किससे, जब ये लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा ये सिंपली प्रोग्राम कंप्लीट करने में जस्ट इसका इटरेशन शो कर रहा हूँ, फर्स्ट वन एग्जीक्यूशन वेरिएबल डिक्लेरेशन, थर्ड वन डिस्प्लेइंग मैसेज रीडिंग इनपुट्स, इनपुट रीड करने के जस्ट बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड किस क्या इसके इसमें डिस्प्लेइंग आउटपुट, मीन्स सबसे पहले मैसेज क्या मिला होगा आपको एंटर नंबर entering 5 is assigned to the variable n, next one according to that one I is initialized by fifth case initialized, I is initialized by 1 and result is initialized by also 1. next one condition testing, condition kya case mein I less than equals to n, value of I means n ka value fixed ho chuka hai every time 1, I के केस में वैल्यू क्या करंटली वैल्यू ऑफ I इज 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन इज ट्रू, देन जब इसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे मींस फिफ्थ कंडीशन टेस्टिंग सीक्वेंस क्या है सिक्स्थ केस, सेवंथ केस क्या है इस केस में एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन क्या है इस केस में रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय I, रिजल्ट वैल्यू इज 1 I वैल्यू इज आल्सो 1 रिजल्ट इज आल्सो 1, 1 आसानी किस में हो जाएगा अगेन रिजल्ट में, देन प्रिंट एफ एट्थ केस में प्रिंट एफ एग्जीक्यूट, प्रिंट एफ से आई का वैल्यू क्या रिजल्ट का वैल्यू डिस्प्ले होगा ऑल्सो वन। नेक्स्ट वन कंट्रोल कॉन्स्टेंट करें नाइन्थ केस में आई प्लस प्लस आई बिकम्स टू, मीन्स फर्स्ट टाइम वन था इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ फैक्टोरियल ऑफ वन, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू टू है तो इसे डिस्प्ले क्या हुआ फैक्टोरियल ऑफ टू, हाउ चेक इट। नेक्स्ट वन इंक्रीमेंट के जस्ट बाद परफॉर्म क्या कराना है कंडीशन टेस्टिंग टेंथ केस, आई वैल्यू इज टू लेस देन इक्वल्स टू फाइव कंडीशन इज ट्रू, ट्रू देन अगेन एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कराए रिजल्ट के प्लेस पर क्या रिप्लेस करें प्रीवियस वैल्यू ऑफ रिजल्ट वन, आई के प्लेस पर आई का प्रीवियस वैल्यू टू, टू मल्टीप्लाई वन इज टू असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, नाउ वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स टू। नेक्स्ट वन अगेन इस रिजल्ट असाइन होने के बाद देन डिस्प्ले क्या कराएंगे ट्वेल्थ केस में वैल्यू ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का वैल्यू टू है इसलिए प्रिंट भी क्या हुआ नेक्स्ट टाइम रिजल्ट इज टू, नेक्स्ट वन ट्वेल्व देन थर्टीन, थर्टीन केस में परफॉर्म क्या हो रहा है आई प्लस प्लस, नाउ वैल्यू ऑफ आई बिकम्स थ्री अगेन थर्टीन, देन फोर्टीन, फोर्टीन केस में परफॉर्म क्या कर रहा है अगेन कंडीशन टेस्टिंग, आई का वैल्यू थ्री फाउंड हो रहा है इसलिए डिस्प्ले क्या कर रहा है इस केस में, मीन्स फर्स्ट टाइम क्या परफॉर्म हुआ था वन मल्टीप्लाई बाई टू, नेक्स्ट टाइम रिजल्ट का वैल्यू क्या करंटली थ्री, सीक्वेंस क्या 14, 14 के बाद सिंपली परफॉर्म क्या होगा कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्टिंग के जस्ट बाद इस कंडीशन क्या थ्री लेस देन इक्वल्स टू फाइव कंडीशन इज टू, देन बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी एग्जीक्यूशन में रिजल्ट के प्लेस पर क्या होगा रिजल्ट का एग्जिस्टिंग वैल्यू टू और आई वैल्यू क्या करंटली सिंपली
3, 2 multiply 3 is first time 1 multiply 2 परफॉर्म हुआ, 1 multiply 2 previous rate में multiplication किसका हो रहा 3 का, next time result क्या 6 assigned to the variable result, next one 16 display result, result का value 6 found रहा इसलिए print भी क्या हो जाए message है 6, then increment decrement i++ होगा तो i की value क्या हो जाए 4, then condition testing कंडीशन टेस्ट कराएंगे 16 17 देन 18 कंडीशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग क्या है i लेस देन इक्वल्स टू n i वैल्यू इज 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन इज ट्रू नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा अगेन 19 एक्सप्रेशन रिजल्ट का वैल्यू क्या करंटली 6 i वैल्यू क्या है इसके इसमें 4 6 मल्टीप्लाई 4 इज 24 मींस नेक्स्ट टाइम प्रीवियस वैल्यू 6 इसका मल्टीप्लिकेशन क्या था 6 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 4 मीन से रिजल्ट क्या आ रहा 624 आसानी किस होगा वेरिएबल रिजल्ट में इस रिजल्ट में एवरी टाइम नेक्स्ट कमिंग नंबर्स का फैक्टोरियल स्टोर होगा क्योंकि प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी रिजल्ट्स के फॉर्म में मैनेज हो रहा है नेक्स्ट वन अगेन 24 किस में आसान हो चुका करंट रिजल्ट में देन 20 प्रिंट एफ से रिजल्ट का वैल्यू डिस्प्ले करना रिजल्ट वैल्यू इज 24 देयरफॉर वी आर डिस्प्लेइंग मैसेज एज 24 नेक्स्ट वन 21 के केस में अगेन परफॉर्म हुआ आई प्लस प्लस वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 5 देन नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग 22 कंडीशन टेस्ट कराएं तो आई का वैल्यू क्या 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के केस में चांस किसको प्रोवाइड करें बॉडी सेशन बॉडी के केस में राइट डाउन क्या करें रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय आई और करंटली रिजल्ट वैल्यू क्या हो रहा है इस केस में 24 मल्टीप्लाई बाय आई आई वैल्यू क्या हो रहा है करंटली 5 Multiplication is 120 assigned to the variable result. Now value of result becomes 120. Next one we are displaying 23 then 24. Displaying value of result which is 120. Means again multiply means previous result में multiplication किसका हुआ है 5 का. Means every time result hold किसको कर रहा है? Multiplication of previous numbers. Next one again i++ होगा 25 i becomes 6 then condition testing 26 condition test कराएं condition क्या इसके इसमें 6 less than equals to 5 condition become false then control bar आया finally output क्या इस पूरा factorial of beginning 5 numbers like that same as आपके लिए अगर आपको factorial display कराना from a to b और for a given range then next session discuss करेंगे factorial of given range